चलते हैं आगे। गिर जाओगे अभी देखना भाई, सच बोलते हैं आपका ही ब्लॉक हिट होगी। बाइक पर राइड नहीं करी बट ये वाली राइड देखो। आ जाओ भाई। तो फिलहाल काफ़ी एंजॉय कर लिया, अब हम जा रहे हैं दिसकेंद के लिए। 8 किलोमीटर दूर है, सामने दिखाई दे रहा होगा। तो मैं भाई से कह भी रहा था कि कैंपिंग कर लो, लेकिन भाई मान ही रहे यार, वो तो कह रहे डर रहे हैं मतलब। अब मैंने कहा दिसकेंद में जाएंगे यार, वहाँ पर डॉगी वगैरह हैं तो यार, वो तो विलेज एरिया है, यहाँ तो खुला है, आराम से कर लें, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। और दो बंदे हैं यार, मैं तो अकेला आराम से कर लेता हूँ, मैं तो यार डरता नहीं हूँ, सारे टूरिस्ट ही तो हैं। अब ये भाई नहीं मान रहा है बिल्कुल भी, तो भाई दिल नहीं तो डेसर्ट से जा रहे हैं भाई का दिल नहीं मान रहा कैंपिंग करने को तो भाई का दिल नहीं मान रहा कैंपिंग करने को, अब क्या करें। अरे भाई इधर इधर रात में कोई भी ना है, अगर कोई होता तो जरूर कर लेते कैंपिंग, सभी टूरिस्ट है, अभी शाम हो जाएगी तो सब चले जाएगा जिससे। भाई देखो अब मैं क्या बताऊँ ना, मैंने तो जम्मू तक में भी रात में ऐसी कर ली थी कैंपिंग, थोड़ा बहुत तो देखो जिगरा लेकर चलना ही पड़ता है। अच्छा जिगरा समझ लो या कुछ भी समझ लो, बाकी रिस्क उठाने से ही तो एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये भी तो रिस्क है, अब ये मान के नहीं देना है कि नहीं। तो कैंपिंग का भाई ये मेरा बिल्कुल ही जो फ्लॉप कर रहे हैं, और जबकि राइडर आगे कर रहे हैं कैंपिंग, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये भाई नहीं मान रहे कैंपिंग को। अरे भाई एक भी राइडर नहीं था उधर, कैसे माने हम, अगर राइडर था तो भी मान लेते, तो भी कर लेते। तो भाई को लग रहा है कोई राइडर नहीं था यार, मैंने बस में सारे देखे थे ऐसे जंगल में, हम तो चलो खुले में कर रहे हैं यहाँ। अभी शॉर्टकट का रास्ता लिया है रेत तो से, वरना तो पीछे से 3 किलोमीटर दूर घूम कर आना पड़ता, तो कहीं दूर रोड पे जाना पड़ेगा, कमरे की रेतीले उससे जा रहे हैं निकल के। ये भी एक्सपीरियंस होगा हम लोगों का। तो भाई कह रहे हैं क्रेज है, तो भाई को महंगा लग रहा है इस वजह से रुकना नहीं कर रहे। तो भाई लोगो एंजॉय चल रहा है, कुछ राइडर भाई जो हैं जो कि अपना मुंबई से हैं शायद, नंबर तो वहीं का है। बेबी इस डेजर्ट में आ गए, देखो किस तरीके से जो रेत है वो उड़ रहा है, हवाएं काफ़ी ज़्यादा चलने लगी है, बहुत ज़्यादा सही। तो ये जो सर हैं अभी, इनका चैनल भी है और अपना ब्लॉग भी बनाते जा रहे हैं। हवाओं का रुख बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया यहाँ पर, बस ये है कि टेंट कैंप जो वगैरह है वो थोड़ा सा उड़ने में दिक्कत कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। चलते हैं आगे। हाँ बस वो प्रिंट। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, रेत से ही होकर चलते हैं फटाफट से। लो भाई इधर दूर करोगे कहाँ पर? पकड़ना जरा इसको। गिर जाओगे? अभी देखना भाई, सच बोलते हैं आपका ही ब्लॉक हिट होगी, इतना बंदा मेहनत कर रहा है। भाई
भले ही हमने गेम राइडिंग नहीं करी और डेजर्ट बाइक राइड नहीं करी, बट ये वाली राइड देखो, ये राइड कुछ अलग ही है। ये इसका एंजॉयमेंट है, पहले चढ़ना फिर उतरना। हालांकि ये राजस्थान जैसे वो नहीं है, क्योंकि अगर गर्मी होती तो ये बहुत ज़्यादा तपता, ठंडा है ये। मेरा भी तो ले लो तो। अरे भाई मेरा भी तो ले लो, ले ले, बंदे मेहनत कर रहा है। दो दो मेरे को, दो मेरे को, पता है। भाई पक्का है, एकदम पक्का रेत एकदम। ओ कहीं दूर दिख रहा है अपने को, कितना पक्का वो रेत है। पकड़ो, जान चला गया मेरा। आ जाओ भाई, भाई थक गया, अब हम भी थक गए। 2 मिनट भाई, ये नुब्रा का एडवेंचर है, देख लो। इधर से लो, पहले मैं तो इधर से उठ जाऊं, लगता है मैं गिर जाऊंगा इधर से। अब इधर से, इधर से आ जाओ। फिलहाल सांस फूल गई, पूरा डेजर्ट चढ़ते चढ़ते देखो। नुब्रा वैली में आज यही एडवेंचर था, सांस फूल चुकी है। एक लिफ्ट, सो फिलहाल जो है भाई, साथ वाले सौरभ भाई नहीं माने और इन्हें होटल ले ही लिया। मैंने कहा था यार ट्राई कर लेते हैं यहाँ आसपास में, बट यार बंदा ना ट्राई करना पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। मतलब यहाँ मिले बस, अभी 600 रुपये का लिया है, ना ही यहाँ पर इंटरनेट है ना ही कुछ है, बस सिंपल देख लो बेड है और इसके साथ में खराटे ना है। ये खराटे लेकर रात में मेरे को नींद, मेरी तो नींद ही उड़ जाती है यार। गर्म पानी का पता नहीं, बस एक ही उम्मीद है बस पानी की यहाँ पर तो।
वाईफाई तो है नहीं है। तो नोबरा से निकल के तस्केंत, तकसित तकसित तस्केंत नहीं कुछ ऐसी है नोबरा से इधर की साइड, मतलब नोबरा को यहाँ से जाते, नोबरा यहाँ से 8 किलोमीटर दूर आ जाता है पहला ही है वो। तो 600 रुपये का ये लिया हुआ है, बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एंट्री वगैरह करा रहे हैं वो, देख रहे हो आप, ये मतलब पेंट नहीं हो रहा है, ये लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का क्यों रहता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो ईंट और मसाला का वो मकान पक्का मकान होता है ना वो, तो यहाँ ठंड में जो है ना वो लिंटर पक तपते हैं ये इस तरीके से ना, लिंटर जब विंटर टाइम होता है ना, स्नोफॉल होती है, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो अंदर नहीं रुका नहीं जाता। तो हम जो है ना ले में जब हमारा रूम था वहाँ पर, तो कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो लकड़ी वाले जो है ना मकान कभी भी जो है ना तपते नहीं है, मतलब ठंडे सुन नहीं होते बिल्कुल भी, ऐसी स्थिति नहीं मिलती है कि बिल्कुल ही चिल्ड हो गया। अब ये लकड़ी जो है ना चिल्ड नहीं होगी बिल्कुल भी, आप आसानी से विंटर टाइम में भी यहाँ पर रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो पक्के मकान होते हैं वो विंटर टाइम में ना वो ठंडे हो जाते हैं, और गर्मी टाइम में ही वैसे भी वो गर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर ही लकड़ी के नहीं तो गर्मी के टाइम में ये गर्म होंगे, तपेंगे कुछ नहीं होगा। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, सारा लकड़ी से सब कुछ बना हुआ, फ्रेम वगैरह सब कुछ, ये देखो तो सारा सब कुछ कितना खूबसूरत है, देख सकते हो आप लाल। नहीं ये रेलिंग जो है ना ये लकड़ी की नहीं है, आवाज़ आ रही है लोहे की है, पेंट किया हुआ है ऐसा, पर ये लकड़ी की है। ये ऊपर ये लकड़ी का आर्किटेक्चर है, और ये स्टील का है बिल्कुल। ये हिमाचल वाले भैया, क्या नाम आपका होटल का? थाचुंगे। तो यहीं पर नाम, आपका नाम क्या है? सोनू। सोनू नाम है इनका, हिमाचल से है ये बस। अच्छा इधर, इसमें क्या खास बात है? खास बात तो कुछ नहीं है, थोड़े वो रखे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी शिफ्ट हो रहे हैं हम इस वाले में, ये वैसे हम कर देनी स्मोक वगैरह, अगर लाइट तो आ रही होगी? लाइट अभी नहीं है, लाइट 6 बजे आती है। चलो कोई नहीं, टाइम से आती है 6 बजे लाइट यहाँ पर। दिखा देता हूँ ये रूम के ऊपर सोलर प्लांट, मतलब पानी गर्म करने के लिए इस तरीके से रहता है, देखो तो इन पे लाइट पड़ती है। हमारे यहाँ पर ना वो प्लेन वाली आती है, तो ये मतलब एक्स्ट्रा पावर वाली होगी ये। तो पहली वैसी वैसी प्लेन बन गई थी इसमें। तो ये भी पानी गर्म करने का है, क्योंकि यहाँ पर धूप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो आसानी से हो जाता है, अपनी साइड में थोड़ा कम रहता है धूप का टेम्परेचर, तो ये पानी गर्म करने के लिए लगा हुआ है सन टेलर। और एक और भी लगा हुआ है यहाँ पर, 3 लगी हुई है। अच्छा, तो 3 लगी हुई है ये, और नीचे फिटिंग नहीं थी पानी की, तो इसलिए यहाँ से पानी भर के नीचे नहाना पड़ेगा, क्या करें यार, मजबूरी तो है, वाईफाई इंटरनेट है नहीं है, पानी यहाँ से भरना पड़ेगा, भरते भरते वो पानी निकल भी गया नीचे। तो मैं आपको नोबरा वैली का दिखा देता हूँ चारों ओर का, अभी लाइट का यहाँ पर टाइमिंग भी है, अब लाइट आई है 6 बजे 11 बजे तक रहेगी, उसके बाद भाग जाएगी। यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट और यही चलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना लाइनिंग लाइट वगैरह का, ये देख रहे हो आप पहाड़, जहाँ से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है ना वहाँ पर, तो मेरे को कहीं पर लाइन भी नहीं दिख रही थी कि बिजली कहीं पर जा रही है, जगह जगह पर छोटे छोटी प्लेट 4x4 की प्लेट जैसी होती है ना सोलर की, मोबाइल चार्ज करने के लिए वे रखे फिर रहे थे, उसी से मोबाइल चार्ज कर रहे थे। और यहाँ पर भी सभी जगह पर देखो सोलर प्लांट लगा हुआ है, ताकि रात में लाइट वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, और बैटरी वगैरह का कोई हिसाब होगा, यहाँ पर बिना बैटरी के तो खैर काम नहीं चलेगा,
बट सभी जो छतों पर हैं, सभी जगह पर पानी गर्म करने के लिए यही सोलर जो है पैनल काम कर रहे हैं। बट ये एक्स्ट्रा हाई पावर वाले सोलर पैनल है जिससे जो है ना एकदम ही हो जाता है पानी गर्म। तो ये मशीन है, यहाँ से लगी हुई है गीज़र, तो ये गीज़र इससे चलता है। खूबसूरत तो काफ़ी है, होटल खूबसूरत तो काफ़ी है, बट यार महंगा है, क्या करें। एक सिंगल बेड सोने के लिए ऐसे ही रहता है इस साइड में, लेह के अंदर बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इधर मैंने मालूम किया कि चलो खाने पीने का तो समझ आता है कि भाई महंगा है, सामान आता है हमारी साइड से ही आता है वो तो, बट यार होटल वगैरह का तो सस्ता डोमेस्टिक बेड जैसा होना चाहिए ना फैसिलिटी, और फिर इतना महंगा दे रहे हैं, कस्टमर को सर्विस कुछ नहीं मिल रही है। मिनिमम तो ये बोल रहे हैं कि बेस्ट सर्विस जो है वो 1200-1500 के रूम की मिलेगी। अब हमारे हिसाब से तो ये भी नहीं लगता है ना सस्ता है, हम कोई ऐसा बुरा तो नहीं ले रहे ना होटल। तो आज रात के लिए बस यहीं रुकेंगे, कल सुबह यहाँ से दोबारा वापस से 9 बजे की बस है, जाएंगे। और कल का मेरे को प्लान देखना पड़ेगा, मेरे को कारगिल की साइड जाना है अगर बस मेरे को मिल गई 2 बजे का, क्योंकि 9 बजे से यहाँ से 2 बजे के लगभग में ही पहुँचेगी बस। तो कारगिल के लिए अगर उसके बाद मिलती है कहीं धोरे पास के लिए तो मैं लेह से निकल जाऊँगा, वरना तो देखना पड़ेगा क्या टाइम टेबल है। वरना लेह से अगर आगे मैं चला गया कहीं पर भी रूम वगैरह महंगा मिला, क्योंकि अपने को तो वहाँ पता है 200 रुपये मिल जाएगा आराम से, और ये भी साथ में रुकेगा तो आसानी से हो जाएगा। तो आगे अगर मेरे को कहीं रुकना पड़ गया तो महंगा मिलेगा सिंगल के लिए, लेकिन मुझे यार घबराने वाली बात नहीं लगती, मैं तो अपना कैंप लगा के सो जाता हूँ। अब ये इसी की वजह से लेना पड़ गया, और डरना क्या है यार, कोई जंगली जानवर नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं माना। मुझे पता था ये देखने गया, मालूम करने गया, 100% कन्फर्म करके आ जाएगा होटल को, वो ही कर दिया कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस दूसरी जगह पे ही नहीं पता करा यहाँ पर, जबकि और भी होटल है, नहीं पता करा। तो अभी फ़िलहाल नहाएंगे, फिर उसके बाद खाना खाने चलेंगे। तो ये एक सोलर पैनल की राड जो है टूटी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं, ये सोलर पैनल की राड जो है टूटी हुई रखी हुई है, और ये पैनल टूटा हुआ पड़ा है। समस्याओं पे समस्या, लाइट भी नहीं आ रही थी, अब दिमाग दौड़ा के यहाँ से लाइट मंगाई, वरना तो मेरे को तो गुस्सा आने वाला था, मैं तो मना कर देता भाई मेरे बस की नहीं यहाँ पर रहना। तो फिर लाइट इन्होंने करा कैसे भी, उधर वाले रूम में पहले हमें भेजा था, फिर इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट करा, पानी गर्म ऊपर से भर के लेकर आना पड़ रहा हमें ही, समस्या है क्या करें। बट अगर आप कभी भी आ रहे हो ना तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा रूम ट्राई करो, अभी हमारे पास कम से कम दिन का समय था यार, ये माना नहीं कि सभी जगह इतना महंगा मिलता है, बस इतना पास कर दिया, अरे कम से कम 2-4 जगह ट्राई तो मारो, पता तो लगेगा, नहीं वो पास कर दिया तो क्या करें। यहाँ पर अगर रूम लो ना तो पता करना है पानी, इलेक्ट्रिसिटी और क्या, हाँ टॉयलेट वगैरह का अपना देख लेना अच्छे से कि भाई आ रहा नहीं पानी, बाकी और कोई समस्या नहीं है, यही मेन चीज़ है, वरना नहाने की प्रॉब्लम हो जाती है। कल बड़ी मुश्किल से एक बाल्टी पानी उन्होंने गर्म दूसरे लेह में जो होटल था वहाँ पे दिया था, तब कहीं जाकर नहा के कपड़े बदले अपने, और कुछ नहीं, अभी वो नहाने गया फिर मैं जाऊँगा अपना, अभी जाएगा फैक्ट्री में। फिलहाल अभी आए थे बाहर कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पर शॉप वगैरह जल्दी खत्म बंद हो गई थी, होटल वगैरह ठीक है जी, और कुछ भी था अच्छा, तो बेकरी में आए थे कुछ खाने वगैरह का लेने के लिए, जल्दी बंद हो जाता है यहाँ पर 7 बजे के बाद, यानी अंधेरा ढलते ही यहाँ पर ना सारे होटल वगैरह बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा शहर है नहीं है, कुछ ही गिने चुने जो है घर भी हैं, और बाकी होटल वगैरह हैं, रेस्टोरेंट में अपना जहाँ पर होटल में वहाँ पर खा सकते हो, बट वहाँ पर बहुत महंगा है, 200-300 रुपये का खाना वगैरह मिलता है। हमने सोचा बाहर देख लेते हैं, फिर यहाँ पर आए हुए थे बेकरी में, चलो इससे ही काम कुछ ले लेंगे जिससे कुछ खा सकें अपना। ये तो फिर चलेंगे वापस अपना होटल के अंदर, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मेरे से भी कभी, कई मुलाकात। फिलहाल अभी कुछ ब्रेड वगैरह लिए थे, फिर अंकल जी ने ये केक वगैरह भी दे दिया,
कि आप हमारी ओर से खाओ इसको। काफ़ी अंकल जी का मानना है मतलब इंसानियत कमाओ, बाकी ऐसा करना चाहिए मतलब इंसानियत कमाओ। देखो पैसा कमाना तो सारी ज़िंदगी लगा रहता है, भागा दौड़ तो सारी ज़िंदगी भर रहती है, और कुछ पल ऐसे ही होते हैं जो इंसान जो है ना पैसा वगैरह सब छोड़ के यहीं जाता है। प्यार प्यार काफ़ी अच्छा लगा, और बाकी यादें हैं नूबरा वैली की। डुमरा बेकरी का नाम है डिस्ट्रिक्ट क्या ना बता, अच्छा डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट है डुमरा बेकरी। तो बाहर की साइड से है, कल सुबह दिखाएंगे हम आपको यहाँ से। सो गाइस, फिलहाल के लिए आज का जो दिन रहा है नूबरा वैली में, आपको मैंने दिखाई दिया क्या था वहाँ पर सारा सब कुछ। और फिलहाल इस समय हमें लेट हो गया था, हम वहाँ से आए थे डेजर्ट में से निकल के, तो हमें होटल वगैरह यहाँ से लिया, उसके बाद नहाना वगैरह सब फ्रेश किया, तो लेट हो गए थे तो हमें पता नहीं था। तो यहाँ पर 7:30 बजे बाद ही सारे होटल बंद हो गए थे, तो खाना वगैरह कुछ नहीं रहा। फिलहाल एक बेकरी पर से ये ब्रेड वगैरह का और जेम्स वगैरह का हमारे पास रखा हुआ था, तो आज इसी से काम चलाते हैं कल सुबह। और आपने देख ही लिया होगा लेह लद्दाख का ट्रिप कैसा है, नूबरा वैली कैसा है, क्योंकि यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा ही महंगाई है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 4 गुना जो है सामान का रेट है, 4 गुना। हमारे यहाँ पर जो चीज़ 5 की है यहाँ 20 की है, और होटल वगैरह ही बहुत महंगे हैं। ये भी होटल हमने लिया है, देख सकते हैं आप, इसके अंदर भी पंगा बहुत है, मतलब लाइट नहीं थी, पानी गर्म नहीं मिल रहा था, इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है यार, वो भी 600 रुपये। बोल रहे थे कि आप ज़्यादा और पैसा खर्च करो और अच्छा मिलेगा, या क्या अच्छा मिलेगा, फिर भी पानी वगैरह का तो गीज़र वगैरह लगा हुआ था, तो ऊपर से हम भर के लेकर आए, हमें ही लाना पड़ा, हमें ही नहाना था। तो फिलहाल ऐसे किया। तो अगर आप भी आना चाहो तो आ सकते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जिस हिसाब से लोगों से देखा था, ट्रैवलर का देखते थे कि यार यहाँ पर काफ़ी कुछ होगा, शहर होगा, लेह लद्दाख से ऊपर आए नूबरा वैली में, हमें लगा था शहर होगा, मैप में भी दिख रहा होगा, बट यार ऐसा कुछ था नहीं। वो दिखाई दिया डेजर्ट है, जो समुंदर था पहले, यहाँ पर समुंदर सूखने के बाद, एक भाई से मैंने मालूम किया था, वो आपको वीडियो में दिखाई दिया था, ये समुंदर था, समुंदर सूख के यहाँ पर डेजर्ट रेता रह गया। डेजर्ट को मतलब रेतीली जगह ही बोलते हैं समुंदर जैसा, तो बस यहीं पर अपना जो है ऊँटों की सवारी होती है, और डेजर्ट कार बाइक से अपना ट्रैवल करते हैं। मैंने आपको दिखा दिया 3 किलोमीटर दूर का 1000 रुपये का वो था, और 300 रुपये का 15 मिनट का उसका ऊँट की सवारी का था, 800 रुपये में 1 घंटे का था टिकट। तो बस यही सब था, अगर आप भी आना चाहो तो आ सकते हैं, लास्ट चाहिए यहाँ पर। और 85 किलोमीटर दूर बोल लेते कि 80-85 किलोमीटर दूर यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर रहेगा, तो वहाँ तक कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हम भी नहीं गए ज़्यादा आगे, टूरिज्म के लिए कुछ खास नहीं है, बॉर्डर तो अक्सर देख ही लेते हैं हम आसपास में। तो बस कल अब यहाँ पर आपको बस का हिसाब मैंने बता ही दिया, 1990 वाला हिसाब है कि एक दिन में सिर्फ एक बस आती है। तो आज के लिए यहाँ पर रुके, फिर कल के लिए एक बस आएगी, तो लेह के लिए रुकेंगे, फिर लेह से आगे को कुछ नहीं मिलने का, फिर लेह में फिर जाकर होटल लेकर रहना पड़ेगा, फिर परसों जाना होगा यहाँ से कारगिल के लिए, फिर कारगिल में होटल लेना पड़ेगा। पता नहीं कब तक उत्तर प्रदेश में हम आएंगे, अभी पता नहीं, कह नहीं सकते, हमें 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, कह नहीं सकते। फ्लाइट बहुत महंगी है 3,500 की, तो हम नहीं लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इस ब्लॉग को इधर ही रखते हैं, लास्ट में आपको बताएंगे कितना खर्चा हमारा आया है और कैसा हमारा एक्सपीरियंस है लेगा, और आपके लिए भी क्या सजेशन है।